हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। दोस्तों आज हम प्रतिशत का एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ करके आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो आप पढ़े होंगे पहले भी, लेकिन आप किस तरह से पढ़े हैं हम तो ये नहीं जानते, लेकिन मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो लाजवाब होगा। आप देखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे बना पाते हैं। सो तो पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, क्या कहा गया है पहला क्वेश्चन वो पढ़ लेते हैं। एक गाँव की जनसंख्या 8,000 है, ठीक है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, जो डाटा दिया है वो डाटा लिख लेते हैं। गांव का जनसंख्या 8,000 दिया गया है तो हम जनसंख्या 8,000 लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लिए। उसके बाद कहा है कि कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिएगा इसमें। इसमें कहा कि 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो, जनसंख्या में 5% की दर से वृद्धि हो रहा है। तो एक बात बताइए, 8,000 है और धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, 8,000 से ज्यादा होगा कि कम, तो ज्यादा होगा कि नहीं होगा। तो आप बताइए कि 5% वृद्धि मतलब कितना हो जाएगा। 5% वृद्धि, प्रतिशत में तो हम आपको खूब पढ़ा दिए हैं कि 5% वृद्धि मतलब कितना हो जाएगा, 105%। 105% मतलब क्या लिख सकते हैं, 105/100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो बिल्कुल लिख सकते हैं, आप इसको काट भी सकते हैं, इसको काट सकते हैं। 21 बार में आई हो जाएगा, 20 बार में मतलब 21/20 इतना कर लेना है आपको। ठीक है, अब क्या कहा, वृद्धि इतना प्रतिशत से हो तो 3 वर्ष बाद गाँव की जनसंख्या क्या होगी। अब वही 8,000 है तो 3 वर्ष बाद बढ़वे ना करेगा। आपका वैल्यू आया 21/20, कितना आया 21/20। तो ठीक है, वृद्धि को हमको बढ़ाना है। ठीक है, वृद्धि को बढ़ाना है, 8,000 जनसंख्या है और 3 वर्ष बोला है ना, 3 वर्ष बोला है। तो चुपके से क्या कीजिए, आप सोचिए कि 21/20 है, करना क्या है कि हमको वैल्यू ज्यादा ना लाना है। अभी 8,000 है, 3 वर्ष बाद धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है तो वैल्यू बढ़ जाएगा। तो आपके पास 21/20 है, आप क्या कीजिएगा 8,000 के साथ 21/20 से गुना कि 20/21 से गुना। तो आपका कहना होगा कि वैल्यू ज्यादा लाना है, तो जद का को ऊपर में रखेंगे, 21 को ऊपर रखेंगे तो वैल्यू ज्यादा आ जाएगा। गुना कर देते हैं 21/20 से, तो ये पहला का साल वृद्धि हो गया। हमको 3 वर्ष बाद का पूछा है तो हम क्या करेंगे कि 3 बार 21/20 से गुना कर देंगे। 3 बार 21/20 से गुना कर दिए ना, बड़ा सुंदर से 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 और 2 2 4 2 8 आए, 8 खत्म हो जाएगा। 21 21 गुने 21 हो जाता है हमारा कितना, 441। 441 गुने 21 9261 हो जाता है, 9261। यानी कि 3 साल बाद 5% की दर से जनसंख्या 8,000 से बढ़ के कितना हो जाएगी, 9261। इतना तो समझ गए कि 5 साल बाद क्या हो जाएगा। एक बात थोड़ा सा और समझ लीजिए, आपको कैसे घुमा सकता है। सो कहेगा कि 8,000 अभी है और कहेगा कि 5% वृद्धि नहीं हो रहा है, 5% की दर से कमी हो जाएगा, तो जनसंख्या वा क्या हो जाएगा, 8,000 से ज्यादा की कम। तो कहेगा कि 8,000 से कम हो जाएगा, तो कम के लिए हमको कम वैल्यू को ऊपर रखना है, ज्यादा वैल्यू को नीचे रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे वो देख लेते हैं। एक गांव की जनसंख्या 17,640 है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या क्या थी वो समझना है हमको, 2 साल पहले। देखिए कहा है कि वर्तमान में जो है 17,640 है, अभी वर्तमान में 17,640 है, 5% इसमें वृद्धि हुआ है, 5% इसमें वृद्धि हो गया है। तो 5% वृद्धि मतलब क्या हो जाता है, 105/100 हो जाता है, इसको 5 से काटेंगे तो 21/20 हो जाएगा। इतना बात तो समझ गए, अब क्या कहा है सो समझ लेते हैं। इसमें कहा है कि 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या क्या थी, मान लेते हैं कि जनसंख्या एक्स है, जनसंख्या एक्स है। अब ये क्या कहा है कि इसमें 5% की वृद्धि हुआ है, 5% की वृद्धि होने से ये जनसंख्या कितना बढ़ के हो गया, 17,640। एक बात बताइए कि 5% वृद्धि होने से ना 17,640 हुआ है, तो 2 साल पहले 17,640 से कम रहा होगा कि ज्यादा। तो आप बिल्कुल कहिएगा कि वृद्धि होने के बाद 17,640 हुआ है तो पहले कम ना होगा। तो 2 वर्ष पहले की बात किया, 2 वर्ष इसमें, 2 वर्ष एक से इतना होने में 2 वर्ष लग गया है, कितना वर्ष लग गया है, 2 वर्ष लग गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमको वैल्यू कम न लाना है, 2 साल पहले का पूछा है तो वैल्यू कम लाएंगे। तो देखिए 21/20 है, 21/20 है तो हमको वैल्यू कम लाना है, तो 21 को ऊपर रखेंगे कि 20 को ऊपर, तो कहिएगा कि 20 को ऊपर रखेंगे, तो 20/21 हो जाएगा, आगुना 20/21 हो जाएगा। बात समझ गए, अब कहीं 21 सही कर जाएगा 40 बार में, कितना बार में कर जाएगा, 40 बार में, यानी 4 सही पूरा, 17 से 64 है, 1 0 तो 1 0, यानी 4 गुना 8, 8 गुना कितना हो जाएगा 16, आप कैगो 0 हो जाएगा,
तीन को जीरो हो जाएगा, तो 16,000 यानी 2 साल पहले जनसंख्या कितना था, 16,000 जनसंख्या था। तो क्वेश्चन किसी भी तरीका से हमसे पूछ सकता है, बात आप समझ गए ना। हमको दे दिया कि 2 साल पहले हमको क्या दे दिया कि वर्तमान में 17,640 है, तो इसमें 5% की वृद्धि हुआ है, तो 2 साल पहले कितना था, तो 2 साल पहले 17,600 से कम ना रहा होगा। अगर कम ज्यादा आप समझ गए ना, तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, इतना तो जान ही गए कि 21/20 से गुना करेंगे तो वैल्यू ज्यादा आ जाएगा कि कम आ जाएगा। तो ऊपर में ज्यादा से गुना कीजिएगा तो वैल्यू ज्यादा आएगा, कम से गुना कीजिएगा तो कम आ जाएगा।